एक खेल है जिंदगी या मौत की, जिसे एक बार खेल के कैसे इसे जीत के जिंदा बच गए। अभी सोचो अगर उसी गेम में आपको फिर से ढकला जाए और इस बार फॉर्मेट थोड़ा बदल दिया लेकिन रूल वही है, जीते तो बचे हारे तो मरे। क्या आप भी ऐसे कुछ खेल देखना चाहोगे? तो चलिए देखते हैं इस फिल्म के अंदर क्या है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत, जहां पे मैं के आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट, बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपके वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का लोग। आज मैं बात कर रहा हूँ 2021 में आया हुआ फिल्म जो अभी आप लोगों के लिए Amazon Prime के ऊपर उपलब्ध है, जिसका नाम है Escape Room 2 Tournament of Champions। सिंपल नाम है, जास्ती कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म 2019 में आया हुआ Escape Room का सेकंड पार्ट है। वो वाला फिल्म एक्चुअली बहुत ही फेमस हो चुका था और उसने बहुत पैसे कमा कर दे दिए, इसलिए कोलंबिया पिक्चर्स को झक मार के इसका सेकंड पार्ट निकालना पड़ा। तो इस फिल्म में इन छह बाजीगरों में से कौन सा डबल बाजीगर बनेगा, यही देखना है। तो ये फिल्म है जोई के बारे में। फर्स्ट पार्ट में जोई को एक क्यूब मिलता है और उसके जैसे ही और दूसरे पांच लोगों को भी आमंत्रण मिलता है एस्केप रूम में गेम खेलने का। अब जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दो, एस्केप रूम पहले से भरा हुआ एक बंद कमरे का खेल होता है। हम तुम कमरे में बंद हो और क्या भी खो जा। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन इस कमरे में से बाहर निकलने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन उस गाने में उन्हें कुछ और करना होता है, जिसमें से अगर आपको बाहर निकलना है तो पहेली को सुलझाओ और चाबी को खोल के बाहर आ जाओ। चाबी उसी बंद कमरे में कहीं छुपाई होती है, आपको बस पहेली सुलझाना है और उस चाबी को ढूंढ निकालना है। तो ऐसे ही खेल का निमंत्रण इन लोगों को मिलता है, जिसमें अगर जीते तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और ये सोचकर ये छह लोग अंदर आते हैं। धीरे धीरे इन्हें समझ आता है कि ये खेल जीते तो पैसे तो मिलेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ एक को, क्योंकि बाकी के लोग ये खेल खेलते ही चल बसेंगे। चल बसे, क्योंकि इस खेल में सभी अमीर लोग घर पे बैठ के बोनी लगा रहे हैं और दांव पर लगी है इन सबकी जिंदगी। तो फर्स्ट पार्ट में जोई और बेन ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन अपने जैसे कई और मासूम लोगों को मरता देख जोई का खून खोल उठता है और अभी वो मिनोस इस नाम के संगठन को खोज कर खत्म करना चाहती है। और पुलिस को कंप्लेंट किया तो कोई उसके ऊपर यकीन नहीं करता है, इसलिए वो इस बार सभी को रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। और उसे पता चल जाता है कि वो लोग न्यूयॉर्क शहर में है, इसलिए वो अपने दोस्त बेन के साथ शिकागो से न्यूयॉर्क गाड़ी चलाते जाती है। और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो मिनोस के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। अनजाने से उसे एक मेट्रो सबवे की गाड़ी में चढ़ाया जाता है, वो भी एक ऐसे डब्बे में जहाँ पे ठीक उसी के जैसे जीते हुए गेम्स के विनर होते हैं। और अभी इन सभी छह लोगों की जिंदगी और मौत की लड़ाई फिर से इस डब्बे के अंदर से शुरुआत होती है। अब इस ट्रेन के डिब्बे से लेकर बैंक तक, बैंक के लॉकर से लेकर बीच पर जाने तक और न्यूयॉर्क के सड़कों पर पिघलने तक कितनों की जान जाएगी और कितने बचेंगे। अब ये तो ऑब्वियस है थोड़ी ना, मैं आपको पूरे गेम के बारे में यहीं पे बताऊंगा, ये तो आपको जाकर देखना पड़ेगा तो ही आपको पता चलेगा। और इसके आने वाले थर्ड पार्ट की गेम की शुरुआत कहां से होगी और कैसे मिनोस वालों ने तो इस बार हद कर दी, डर के आगे जीत है बोलने के लिए गई, अभी इसकी गांड फट के हाथ में है। अगर इसी के फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करने के लिए जाऊं तो जैसे गेम्स थे और जिस हिसाब से उन गेम्स में एक फेमिलिटी थी, वो आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक्साइटमेंट तो रहेगा ही, लेकिन लॉजिकली हजम नहीं होगा, क्योंकि इतने वेग क्लूज है कि साले बाप जन्म में कभी गेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छा सीक्वल भी है और स्टैंड अलोन भी है। अगर आपको इस फिल्म का पूरा लुत्फ उठाना है तो इसके फर्स्ट पार्ट को जाकर देखना चाहिए। और अगर सिर्फ टाइम पास करने के लिए और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिर्फ गेम्स देखना है तो आप इसे डायरेक्टली भी जाकर देख सकते हो। ओवरऑल सभी एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी हुई है और काफी नेचुरल और ओरिजिनल सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन दिए हैं। सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक भी बढ़िया है, जिसके वजह से फिल्म और उभर कर आती है और देखने में भी मजा आता है। सारे पहेलियां जिस हिसाब से सेट किए गए हैं और जैसे इसका फॉर्मेशन किया गया है काफी हद तक इनोवेटिव है और ऑडियंस को जकड़े रखती है कि ये सारे लोग इस मिनोस के चंगुल से कैसे बाहर निकलेंगे या उसी में डूब के मरेंगे। तो ऐसे खतरनाक वाले पजल्स को सेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं रे बाबा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। रेटिंग की बात करो तो अकॉर्डिंग टू एमपीआई इसे रेट क्या है, पीजी, यानी कि इसे कोई भी उम्र के लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जी है, तो पैरेंटल गाइडेंस इस फिल्म को बहुत ही मस्ट है। बच्चे अकेले से इस फिल्म को ना देखें, बड़ों के साथ पूरे फैमिली साथ में इकट्ठे बैठकर इस फिल्म को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंटली देख सकती है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा और कौन से डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है ये आपके स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। और ये विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म नहीं, तो अगर आपको एक एक्शन एडवेंचर हॉरर फिल्म देखना है और जास्ते अपना दिमाग लगाने का नहीं है, कुछ टाइम पास वाइम पास देखने के लिए अगर देखना है, तो ये फिल्म आप 100% देख सकते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ये फिल्म शुरुआत होने के 2 मिनट पहले ही आपको पूरा उसका आइडिया दिया जाएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था और सेकंड पार्ट बाद में शुरू होगा, जिससे नए लोग भी इस फिल्म को डायरेक्टली बैठकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं इतना ही कहूंगा जाकर देखना, क्योंकि वो वाला पार्ट बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन ये वाला इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन यकीन मानो आप लोग बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो पजल्स है, जो गेम है जिसके अंदर उन्हें सेट किया गया है, वो बहुत ही जबरदस्त है और देखने लायक भी है।
आउटस्टैंडिंग भी नहीं है और बोरिंग भी नहीं है, मजा भी आएगा और एंगेज भी रहोगे। सेट पे बहुत खर्चा किया गया है, ये आसानी से आप लोगों को इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ मेरे हिसाब से जो टोटल एक्साइटमेंट है वो थोड़ा लैक होता है, या फिर स्क्विड गेम के आने की वजह से अभी ऐसे वाले गेम्स देखने में मजा नहीं आता है। स्क्विड गेम्स ने एक एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई करके रखा हुआ है, लेकिन इस फिल्म में आप निराश नहीं होंगे, तो जाइए देखिए इस फिल्म को। और इस फिल्म के एंड में विनिंग इज जस्ट द बिगिनिंग ऐसा क्यों कहा गया है, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हैं। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चाय व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करो घंटे दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर दूसरे देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का क्या। बाय।